क्या हो गया? क्या रो तो पसंद नहीं आया? अरे वीडियो मत बना, बता दे। अरे पसंद आया है। कोई बात हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज बहुत दिनों के बाद आप देख रहे होंगे कि स्केटर राहुल आज ऐसे कैसे आ गए आप। तो भाई आ गए, आप लोगों के प्यार ने बुला लिया भाई। भाई अभी ना ये सीन हो रखा है कि हमारे जब से चैनल वैनल है को है ना, उसके बाद सही हुए तो ना उनकी रीच डाउन होगी, तो उनको दोबारा से भाई रीच में सही लाने के लिए दबा दब वीडियो डाल रहे हैं भाई। ठीक है, तो प्रैंक वीडियो, प्रैंक वाले चैनल पर दबा दब वीडियो देख लेना भाई आप। इंस्टाग्राम पे दबा दब व्लॉग पे भाई हम कोशिश करेंगे कि दबा दब दें। तो जैसा कि आपको पता ही हिमांशु बना रहे, तो ना कमेंट कर दिया करो भाई, हिमांशु भाई ये क्या सीन चल रहा है आप, आपके पास जब से व्लॉगिंग आई आप काम ही नहीं करे। करा करो भाई कमेंट, तभी सुधरेगा वो। तो गाइज आज है धनतेरस, तो सभी को पहले हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी माता भाई सभी के घरों में वास करे और सभी को बहुत सारे पैसे दे भाई, ईमानदारी के पैसे सभी को कमवाए भाई, क्योंकि पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सभी को, सभी की सभी इच्छाएं पूरी हो और सभी फले फूले भाई, अपना तो यही कहना है भाई। आज मैंने व्लॉग क्यों स्टार्ट किया ये और बता देता हूँ आप लोगों को। हिमांशु को दे रहे हैं सरप्राइज अपने छोटे भाई को, नोनी को। सीन क्या था भाई, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता ही है भाई मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं उठकर। ठीक है, तो धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के ना बहुत सपने होते हैं, मतलब बड़े बड़े सपने होते हैं, होते थोड़े छोटे परिवार से पर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उन्हीं में से ना आज एक अपना भाई और हम पूरा करने जा रहे हैं भगवान की दया से और आपके प्यार से, करते ही आ रहे हैं भाई। ठीक है, लेकिन आज एक और सपना पूरा होने जा रहा है कि हम ला रहे हैं मैकबुक लैपटॉप। तो भाई एप्पल का लैपटॉप ला रहे हैं, मतलब ये ना हर एक का सपना होता होगा जरूर एप्पल का फोन लेना। एप्पल का फोन तो चलो है मेरे पास, ले लिया था, और एप्पल का मैकबुक कभी नहीं लिया था। तो हर एक टीनेजर लगा लो या फिर मतलब ना मेरी एज वाले लड़कों का हर एक का सपना होता है कि हाँ यार एप्पल होना चाहिए। तो नोनी का ना ये बहुत ही तगड़ा सपना था कि हाँ एप्पल का लैपटॉप हो, चाहे चलाना नहीं आता उसे बिल्कुल भी, पर एप्पल का लैपटॉप हो। तो बहुत मुश्किल से पापा जी को मनाया भाई। ठीक है, पापा जी बिल्कुल नहीं माने थे, कह रहे नहीं अब इसी में चलाओ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से पापा को मनाया भाई, जो मैंने सेविंग की हुई ना उससे आज लेने जा रहे हैं एप्पल मैकबुक प्रो और हिमांशु को देंगे सरप्राइज, क्योंकि उसका ना सपना था भाई एप्पल का होना चाहिए लैपटॉप, एप्पल का होना चाहिए। तो अभी एक बार पापा जी से मिलवा देता हूँ, रुक जाओ। पापा जी नमस्ते, हैप्पी धनतेरस। आप सभी को भी हैप्पी धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छे से धन लक्ष्मी हर किसी के घर पे आए। बेटा बहुत ज्यादा महंगा, इतने महंगे महंगे सरप्राइज क्यों दे रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है पापा जी, छोटी सी जिंदगी है। वो शूज भी तो कह रहा था, जॉन डेक्स कौन से थे वो? जॉर्डन के शूज। हाँ जॉर्डन के शूज, फिर वो भी ले लेंगे, इतना खर्चा नहीं होता। फिर जॉर्डन के शूज छोड़ो, नहीं ले रहे। ठीक है, मैकबुक ले रहे हैं, देख रहे पहले सोच ले। हाँ हाँ सोच लिया, पक्का। नोनी को आज सरप्राइज देना अपने बढ़िया वाला। ठीक है, और फिर ये वाला, ये जो है ये देख लेंगे इसका जैसे भी होगा हिसाब किताब। तब से यूट्यूब चैनल है कोई ना, हमने चलाया ही नहीं। अभी ये ना जीआजी वाला लैपटॉप है, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये है एचपी का। सो गाइस फाइनली पापा मान गए हैं, आज एप्पल का लैपटॉप गाइस। ओके गाइस चलते हैं। ठीक है, एक्साइटेड हूँ यार मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो बढ़िया चीज है ना, कुछ नया आ रहा है जिंदगी में। मेरे ख्याल से कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया। क्योंकि ना सफाई वाला ना पागल बना गया हमें, अब लग गया वो सफाई के लिए पर वो आता नहीं, और वाइपर खड़े करके निकल गया भाई। ठीक है, और एक दिन वो पकड़ा गया ऐसे, तो फिर ना अभी वो आ नहीं रहा, आजकल बहाने मार देता है। सो गाइस जाम लगा हुआ पूरा कसुत्ते वाला भाई साहब, क्योंकि दिवाली का त्योहार है और तो भाई जाम तो लगना ही था। बाकी ये रोड अभी बन भी रहा है तो इस करके भी थोड़ा जाम है। और हमारे पापा जी इन स्कॉर्पियो, कैसा फील हो रहा है? देख पूरा स्टाइल से बैठे हैं, फील हो रहा भाई एक नंबर। साथ ही साथ गाइस आप लोगों को एक अपडेट और देनी है अपने न्यू सॉन्ग की। ठीक है, वो मैं एक बार सरप्राइज पहले दे हिमांशु को, उसके बाद देता हूँ। ठीक है, ब्लॉग के एंड में, तो जरूर से जरूर देखना भाई। चलो अभी चलते हैं। फाइनली हमारे जीजा जी ने दिया है धनतेरस का गिफ्ट हमें, दे दो जी अभी सही है अप्पा जी, बता दो मेरे को। तो यही पसंद है, तू कह रहा था उसके ग्राफिक की, तो भाई बताता हूँ मैं। एक ये था मैकबुक प्रो, इसके अंदर ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे, टास्क बार। पर हमने लिया है भाई ये वाला, ये लेना था मेरे को।
हिमांशु के लिए ये मैंने बलिदान दे दिया भाई। वाह वाह जी वाह, क्या बात है। अभी मम्मी रंगोली बना रही है भाई, एक नंबर। मम्मा आप में इतना टैलेंट कैसे है? हैं? क्योंकि मेरी माँ में टैलेंट था। हाँ सही है भाई, आपने देख के बनाए बिना देख के बनाए? बिना देख। हाँ? फिर इसमें देखने की क्या जरूरत है भाई, फाइन आर्ट्स आर्टिस्ट है, समझ गए? अच्छा आप मेरे फेस बना सकते हो ऐसे? इतनी भी आर्टिस्ट है लेकिन लो भाई मम्मी ने दिया बना दिया है। अब तुम्हें दिखा देता हूँ भाई, मम्मी ने कल रात को लड़ियाँ लगाई है रात के 12 बजे तक, और अंदर से ऐसा कुछ डेकोरेट किया। अभी तुम्हें बाहर का व्यू दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले ये भाई यहाँ पे डीजे लाइट लगवा दी है। ये लो गाइस, मोबाइल में थोड़ा बढ़िया नहीं आ रहा, लेकिन भाई ऐसे दिख रहे हैं ना वैसे बढ़िया लग रहा है। ये देखो है ना मस्त, इस साइड से अपना कुछ ऐसा लग रहा है। हां जी गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे और आज है भाई हैप्पी छोटी दिवाली। तो गाइस सभी को छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल हम अपना मैकबुक प्रो ले आए थे और भाई कल ना बहुत लेट हो गए थे, 10-11 बज गए थे मेरे ख्याल से हमें घर पहुंचते। तो भाई हमने फिर रात को ना हिमांशु को बताया नहीं, आराम से लाकर छुपा के रख दिया। तो अभी हिमांशु नहा रहे, बाकी सोसाइटी का नजारा कुछ ऐसा है। अभी यहाँ कपड़े धुल रहे हैं तो वॉशिंग मशीन की आवाज आ रही होगी और बच्चों ने सुबह सुबह पटाखे चलाने शुरू कर दिए हैं यहाँ पे। सो भाई हिमांशु फाइनली नहा लिया है और हमारी मम्मी जी दिखाते तो एक बार शक्ल दिखाओ। पागल ले, शक्ल ही नहीं दिखा रहे दिखाते ले भाई हिमांशु को देख लो गाइस, आज इसे नहीं पता क्या होने वाला है। नमस्ते, मम्मी को भी नहीं पता। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। क्या बम पटाखे दिल्ली में बंद कर रखे हैं, लेके नहीं आने कभी। ले आओ तो अपने गुड़गांव में, मैं यही कह रहा हूँ कि लेके नहीं आने, दिल्ली में तो बंद कर ही रखे हैं। बम ले आए क्या भाई, कभी खर्चे? बम ले आए, बम ले आए क्या? अरे कहना क्या चाहते हो भाई, प्रदूषण फैलता है उससे, वो चीजें आपने नहीं करनी। ठीक है ठीक है, अपने अपने बचपन में तो जला ली, अब बच्चों का बचपन आया तो यार प्रदूषण नहीं करना चाहिए। चलो कोई ना, सो गाइस फिलहाल ना हिमांशु अपना भाई है, प्यारा भाई है, तो भाई को ना सरप्राइज आपको पता ही दिवाली पे देना था है? तो भाई को कुछ सरप्राइज दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे सरप्राइज पापा जी, जय जय श्री राधे। गोपू जी कैसे हो आप? गोपू जी के नाक पे तिलक आ गया, अच्छा होता है तो शुभ होता है। सो गाइस फाइनली हिमांशु भाई को देने जा रहे हैं सरप्राइज, और भाई चले रूम के अंदर ले चलते। पापा जी इसकी आंखें बंद कर दो, चश्मा उतार ले। मम्मा को नहीं तो नहीं पता ना? नहीं मम्मा नहीं बताया ना आपने, क्यों बता रहे तू? चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मम्मी पूरी राजी हो जाएगा। यो ये अरे ये रहा, हियर इट इज, खोल लो तो। चलो ले भाई, सर ऐसे एकदम से क्यों ले रहा है, खोल इसको। एंड सरप्राइज वॉच फॉर यू, और यार क्या कैसी लगी ये बता, मस्त लगी यार वो यार। अब ना इसको पहना दूं क्या? पहनने कर, थोड़ा सा टाइम का पाबंद हो, पहना दो इसको और क्या। अरे मैं अपनी वो डालता तो हूं, वो बहुत भारी होती है। सो गाइस हिमांशु को उसका गिफ्ट मिल गया है, पर जो असली गिफ्ट है मम्मी वो अभी तक हमने नहीं दिखाया। ठीक है अभी दिखाता हूँ। हिमांशु ना घड़ी लेके उस कमरे में चला गया। ठीक है भाई, ये यहाँ पे हमने रखा हुआ था गिफ्ट हमारा। जय हो, लो भाई लो मम्मी न्यू सरप्राइज, आप तो देख लो पहले ही। नोनी देंगे मेरे मम्मी आपका ही तो है। हिमांशु सही है दे ये पोल प्रो सही बताओ आराम से बॉय 2 लाख की ओ माय साहब इसमें है भी है। हो गया सपना पूरा, खोल लो इसको। हाँ इसको यहाँ से उठा, उठाओ इसको। महंगी चीज दे तो देना, फिर आप ही तो करना।
ये पढ़े और पर आया है। कैसा लगा है? ये देख भाई, ये इसका चार्जर है। सो भाई ये इसका चार्जर लीड। नोनी को क्या हो गया? ओए भाग गया इधर। हैं क्या हो गया? क्या रो तो पसंद नहीं आया? अरे वीडियो मत बना, बता दे। अरे पसंद आया है तेरे लिए तो। अच्छा पागल, तेरे लिए तो अपनी भी चीजें छोड़ दी इसने। नुकर नहीं भाई, इनके मानसू को दूंगा लैपटॉप। सच में मैंने अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स छोड़ा है, पर्पल वाला। वो तो नहीं छोड़ा तूने, वही छोड़ा है। शूज की बात ही तेरी, शूज तो आ जाते फिर भी, शूज तो अब भी आ सकते हैं, पर मैंने मेन तो वही छोड़ा है। चल कोई नहीं। कैसा आया, कैसा लगा बता तो दे। बस बस ज्यादा एक्टिंग मत कर। पूरा पक्का ड्रीम के लिए तो गए थे हम। फिर आगे कोई और गिफ्ट करोगे तभी हो पाएगा, मेरे ड्रीम पूरा हो गया। कोई बात नहीं, खुश है तू? ठीक है, मैकबुक की ही तेरा ड्रीम था। सो भाई अभी कान्हा जी को दिखा रहे हैं अपना मैकबुक। आप तोड़ दो, यहाँ से खोल रही है बताई हूँ। यूं ही खुलेगा जैसे पापा जी खोल रहे हैं। सो भाई कान्हा जी अभी लैपटॉप चलाते हुए। वेरी गुड। कैसा लगा भाई? एक नंबर ना। दो क्या तगड़ा लग रहा है यार। यस इतना लगा। पूजा कर लेते हैं अभी थोड़ी सी। पहले एक बार ना तिलक मेरा भाई, फील ये लगा रही है। ये मेरा है ना? ये मेरा, तेरा है, तेरा है। ये कह रहे मेरा यार, मैंने कब कहा है? तो न्यू तो नया लग रहा है, वो होगा तेरा इसका, वो ये फिंगरप्रिंट। हाँ मेरा है ये भी। सो भाई अभी मैकबुक पर कर रहे हैं तिलक। ले आओ जी 2000 की पत्ती। तू दे, आप दोगे? ओ भाई साहब मेरा ड्रीम पूरा हो गया भाई। मैं बचपन में मतलब सोचा करता एप्पल का मिलेगा या नहीं हमें कभी। भाई तूने एक ड्रीम पूरा कर दिया मेरा। कर दिया ना? कैसा लगा भाई? एक नंबर हो गया ना ड्रीम पूरा मेरा। Yes. भी हो गया तेरा भी हो गया। यस सो गाइस थैंक यू सो मच भाई, हमारा एप्पल प्रो मैकबुक। और भाई बताना ये ना सबसे लेटेस्ट वर्जन है M1 मतलब क्या बोलते हैं इसे, मैकबुक प्रो M1 प्रो चिप। मतलब ये नया है अभी बिल्कुल, जो लेटेस्ट है ना सबसे ऊपर वाला, ये वही है भाई। और भाई आप लोग ना कमेंट करके बताना कि अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए, ठीक है, कि इसके बारे में जितना मेरे को पता है उतना तो बता ही दूंगा, ठीक है, बाकी बताना जरूर। और भाई खुशखबरी के साथ साथ तुम्हें बता देता हूँ, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ रखी है। अभी आई थी भाई ये 4-5 दिन पहले मैंने स्टोरी लगाई थी, तभी मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जिसने नहीं किया मैं वहाँ पे सारी अपडेट देता रहता हूँ। तो भाई मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा, तब तक अपना जो स्केटर राहुल प्रैंक्स है उस पे और फेसबुक पे स्केटर हिमांशु पे वीडियो आएगी, वहाँ पे देख लेना। जल्दी मिलता हूँ स्केटर हिमांशु वाले चैनल पे, ठीक होती सब कुछ, ठीक है, फिर आगे लगाएंगे। सो गाइज आप लोगों का ना एक मेन चीज बतानी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉन्ग के बारे में बताऊंगा व्लॉग के एंड में, तो भाई अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉन्ग का क्या सीन है। अपना गाना मैंने इंस्टाग्राम पर शायद नेम भी बता दिया था, बंदे ठीक कोनी गाने का नाम है भाई। आ रहा है 7 नवंबर यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन, 7 नवंबर को कर रहे हैं भाई अपलोड, ठीक है। तो बहुत सारा प्यार देना 7 नवंबर, बंदे ठीक कोनी, आग लगा देनी है हर जगह पे। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे वैसे सस्त रहे। जय भोलेनाथ, हैप्पी दिवाली, लव यू गाइस, जय भोलेनाथ।